एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू माई चैनल सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद और आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। सो आज जो है मेरे बालों में आप देख रहे हो खूब सारा ऑयल है, मैंने चंपी की है जमकर। आज एक्चुअली डैंड्रफ बहुत हो रहा था ना, तो इसलिए इतनी इचिंग हो रही थी मेरे बालों में, मुझे लगा कहीं जूतों नहीं आ गई। तो फिर मुझे ये हुआ कि जूतों नहीं आ सकती यार, कहाँ से आएगी ऑब्वियसली। तो फिर मैंने जब चेक किया आज ध्यान से, खुद पर मैं ध्यान देती ही नहीं हूँ, घर 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 एंड ऑल और यूट्यूब बस। तो मैंने आज अपने बालों पर ध्यान दिया तो यहाँ डैंड्रफ था इतना ज़्यादा ना क्राउन सेक्शन में, तो मैंने फिर अच्छे से ना यहाँ पे चंपी की, गोले के तेल की, कोकोनट ऑयल की। यस गाइस, और आज जो है फंक्शन में भी जाना है। बट गाइज, अगर आपने इससे पहले नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज जो है मेरे दोस्त की वेडिंग है और वहाँ के जाने की मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। सो मैंने कहा व्लॉग तो मैं करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि बिना व्लॉग के तो मज़ा ही नहीं आएगा। बट गाइज, एक बहुत खतरनाक और सैड न्यूज़ है, मैं बताती हूँ क्या। गाइज ये देखें मेरे बाल कितना हेयर फॉल हो रहा है यार, मतलब मैं आपको ना ऐसे करके दिखाती हूँ, देखो ये देखो कितना हेयर फॉल हो रहा है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कोई नुस्खा हो तो प्लीज़ बताओ यार, देख रहे हो अभी कितना ज़्यादा हेयर फॉल। परेशान हूँ उस चीज़ को लेके यार, क्योंकि ना ये मुझे समझ नहीं आ रहा इतना हेयर फॉल हो क्यों रहा है, और ये मुझे लास्ट ईयर से हो रहा है। आई नो स्ट्रेस की वजह है, आई नो ये तो पक्का है, लेकिन यार के अब तो ठीक हो जाए, अब तो थोड़ा थोड़ा मैं भी रिलैक्स हो गई हूँ, बट बाल झड़ना ही बंद नहीं हो रहा है, इतना झड़ रहा है बाल मैं क्या बताऊँ। फिलहाल तो अहमद मेहंदी भी लेकर आए तो वो भी मुझे लगानी है, अपने भी उनके भी, लेकिन वो कंडीशनिंग के लिए होगी। तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपको अपना हेयर फॉल दिखाया अभी, बहुत मेरे बाल ना जड़ से निकल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कोई नुस्खा बताइए, देसी नुस्खा। देखो हेयर स्पा एंड ऑल और मसाजेज एंड ऑल, ये दीज आर द थिंग्स जो सैलॉन में जाके करानी है। फॉर अ टाइमिंग आपके बालों को हेल्थ देती है, नरिश देती है, उसके बाद वो फिर आपको एडिक्शन बना लेती है अपना, है ना। मुझे आप कोई नुस्खा बताओ ताकि मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँ उसको और वो ठीक हो जाए। वैसे मेरी सिस्टर बोल रही थी एग लगाने को, पर एग यार मुझसे नहीं लगता, मुझसे एग लगता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो चलो फिलहाल आपको बाहर की अपडेट देती हूँ, बाहर कैसा मौसम हो रहा है, और मैं आपको बताती हूँ मैं जीन्स कैसे सुखाती हूँ। मतलब लिटरली मैं सारे कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन जीन्स नहीं सूखती। अब मैंने रात ना इनको बाहर से अंदर ले आई थी, तो उसमें से भी एक दो ऐसी रह गई, देखो मैं कैसे सुखाती हूँ। और ये मेरी टिप है, ये इस तरह से मैं इनकी सारी जीन्स लगा देती हूँ, और ये वाली जीन्स जो है ना अभी हल्की सी गीली है, ये थोड़ी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, लेकिन ये वाली थोड़ी सी ना गीली है। तो मैंने कहा चलो ये ऐसे करके मैं लगा देती हूँ। फिलहाल तो मैं क्लीनिंग क्लीनिंग में लग गई हूँ, और मुझे खुद को भी नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें जाना है आज अपने दोस्त के फंक्शन पर, मतलब उसके निकाह पर, दोस्त के निकाह पर जाना है आज, और बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड रहना है आप लोगों को, क्या क्या मैं करने वाली हूँ, क्या पहनने वाली हूँ, क्या तैयारी होने वाली है, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाहर का सूरत हाल दिखा देती हूँ आपको मैं। प्लांट मेरा आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, खिला खिला लग रहा है, इस पर पानी डाल दिया सासू माँ ने, आई डोंट नो। हम का सूरत हाल देख सकते हो, हल्का हल्का सा सूरज निकला हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा। और ये देखे धूप, आज जो है धूप ने हेलो बोल दिया है, सूरज मामा बाहर आ गए हैं और उन्होंने हेलो बोल दिया है, सूरज मामा ने बोल दिया है हेलो गाइस। तो हमने भी बोल दिया उन्हें हेलो, क्या हाल है सूरज मामा। तो मामू आज बाहर आ गए, मम्मी कहेंगे कौन से मामू, व्लॉग देखेंगी तो मामा सूरज मामू, कोई और से मामू नहीं। सो फिलहाल आज जो इन्होंने दस्तक दे दी है, हेलो बोल दिया है, और मैं कितनी चंपू लग रही हूँ ना, क्योंकि मैंने ऑयलिंग की है यार। मैंने गोले का तेल जो है ना, आई थिंक मैंने हेयर फॉल की वजह से ना, आई थिंक 7-9 साल बाद लगाया, क्योंकि मैंने शादी के बाद हेयर कट स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता था और फिर घर में यू नो पिलो वगैरह पर ना लग जाए, ये नॉन स्टिक ही नहीं होता, वो नॉन स्टिक होता है, तो ये स्टिकी होता है, तो ये चिपकता है, लगता है ये, तो मैं ना लगाती नहीं थी ये, लेकिन यार हेयर फॉल की वजह से आज मुझे चंपी करनी पड़ी गोले के तेल से। सो फिलहाल तो अभी व्लॉग की कर दिए शुरुआत, स्टे ट्यून्ड रहिए, और जैसे जैसी अपडेट रहेगी आपको दिखाती रहूँगी, स्टे ट्यून्ड। चले अभी चलते हैं अंदर, सासू माँ आई थिंक चली गई है बाहर, मतलब पड़ोस में उनका और काम क्या है, वो वहीं जाती हैं, फ्री हो उनको कुछ काम होता नहीं है तो वहीं चली जाती हैं, क्या करें। मैं उनको फ़ोन करके बोलती हूँ, और यार हेयर फॉल इतना हुआ हुआ है, इसको भी उठा कर ना डिस्कार्ड करती हूँ। गाइस देखो कितना सारा हेयर फॉल है यार,
चलो कोई बात नहीं, आप नुस्खा बताओ, मैं इसको फिलहाल डिस्कार्ड करके आती हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, जरा इधर देखना, गिरने से बचा रहा हूँ, इधर देखो जरा, कैमरा की निगाह में हो आप। अहमद चाय बनाते हुए, देखो अच्छी दिखाऊं, अहमद चाय बना, अच्छी देखो, देखो क्या देखो, इसे देखो, ना देखो, हाँ बोलो ना, देख, देखो चाय की देखी, ये क्या क्या, कुछ भी कुछ भी, बस बस चाय वाले अहमद बने, चाय वाले अहमद बने, चाय वाले, चाय लवर, अदरक की चाय बन रही है गाइस। ए क्या है, नहीं नहीं नहीं, भागो, निकलो निकलो मेरे किचन से, निकलो निकलो निकलो, देख सब गिर जाएगी भाई, बड़ी भाड़े दी, निकलो ज्यादा आवाज निकल रही है गाइस, आज मैं इसको पिट्टी करूंगी, आज मैं इसको पिट्टी करूंगी, अगर अहमद मेरे बर्नर पे एक भी इसकी ड्रॉप आ गई तुम्हारी करतूतों के चक्कर में, तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अहमद हद हो गई, डिजू अहमद बने चाय वाले, अबे मेरे सच में बन तो गई है, खुशबू भी आने लगी इसकी, तो क्या चाह रहे हो गाइस, आपको खुशबू आ रही है, आ रही है नहीं आ रही ना, सबको आ रही है। वैसे ही पूरी चाय मैंने ही बनाई, सिर्फ जस्ट खड़े होके चमची ला रहे हैं। अरे मक्का, अरे मक्का, अरे उसमें इलायची, इलायची, पागल हो, निकलो निकलो, नहीं 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 नहीं, मक्का, हाँ इमिनिस्टिक, जिस दिन खुद बनाना तब बनाना, मैंने बना ली है चाय, मैं ऑलरेडी सब बनाकर उसके बाद में फ्रेश होने गई थी। चलो निकलो, मैं चाय सर्व करती हूँ, चलो अहमद बस करो अभी, निकलो चलो 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 चलो, ना तेज कर दिया ना मैंने, तो अभी सब पूरी पूरी शाम किचन की सफाई करेगी बेटा, लगवाऊंगी तुमको ही, ज्यादा इतराओ नहीं समझे, हो गई चाय, शाम के 5 बजे दे दो रही चाय, 5 बजे फोन दिखाई, देख लो 3:30 3:30 में सुबह रास्ते में चाय पीता कोई गाइस, ये कुछ ज्यादा इतराते हैं, इनसे कह दो कि अपने गाइस, आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग पसंद है ना, आप लोगों ने बहुत तारीफ की थी इस चीज की, शनायास कुकिंग व्लॉग्स क्या गाइस, अरे वो तो हो गया, लेकिन लेकिन किसी ने बोला है कि सनाबी की ब्लॉगिंग अच्छी लगती है अहमद भाई की, नहीं सब सड़ी हुई, सब सड़ी हुई, बिल्कुल अहमद चौटा मार दूंगी मैं, गोले का तेल लगाया है, ज्यादा मजे रहा, गोले का तेल, तेनाली राम तो ना ये करके दिखाओ, या तुम ही करो, अभी चाय में बोल चली जाएगी, ये चला गया चाय में, निकलो निकलो, इतना कमजोर बाल नहीं है हमारा, निकलो जाके बैठो, अबे इतना कमजोर बाल नहीं है हमारा, इतना कमजोर समझी क्या, अहमद फोन चेक कर रहा है पगलू, यार मैं बहुत परेशान हूँ इस लड़के से, तो सही कुर्ता पजामा पहन के ना तो ज्यादा कव्वाली वाले मत बनो, सब लोग कहते हैं कि अहमद भाई जब व्लॉगिंग करते हैं ना तो हमें बहुत मजा आता है, हकीकत बात है बिल्कुल, सबको थैंक यू तो कर दो, थैंक यू गाइस, और एक एक नाम क्या था उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी कमेंट किया था कि अहमद भाई बहुत हंसाते हैं, उनको सब भी मजा आता है, सभी बोलते हैं, सब नहीं बोलते हैं, सब बोलते हैं, वो बहुत कम लोग बोलते हैं, अरे सब बोलते हैं, और किसी ने कहा था कि अहमद भाई की ब्लॉगिंग में हमें बहुत मजा आता है, वो हमें बहुत हंसाते हैं, और जिस तरीके से आप और अहमद भाई झगड़ते हो लड़ते हो बड़ा प्यारा लगता है, थैंक यू सो मच, हम लोगों को इतना एंटरटेन, झगड़ते लड़ते नहीं है, ये पिटती है इतना है मुझसे, ये कट 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 कट, ज्यादा बोलेगी ना अभी गालों पे काट लूंगा, यार इस लड़के ने बहुत ही हरकत चालू कर दी है, जब देखो मेरे गाल पे काट लेता है, वीडियो में भी व्लॉग में भी, शेर कम बनो शेरू, शेरू शेरी तुम्हें शेरू, वैसे आज का मैंने थंबनेल बना लिया है, कौन सा वाला, मेरे चाय का चम्मच खाते हुए बनाया होगा, एक्सट्रीम हेयर फॉल, हां तुम्हारा ही यही है, बहुत हो रहा है गाइस प्लीज, और अहमद तुम्हारे भी तो हो रहा है ना, मेरे की होता मजबूत बाल है हमारा, पता है पूरे बेड पे इसके बाल होते हैं, झोड़ी ये शेर जैसा, जो उसका गाइस को दिखाओ तब मानेंगे, बब्बर शेर बना हुआ है ना, गाइस को दिखाओ तब मानेंगे, ऐसे कोई नहीं मानता है, मैं आपका, मैं कल गाइस आप लोगों को बेड पे दिखाऊंगी, अंदर जो बेड दिख रहा है ना, इस पे पूरा हेयर फॉल होता है, ये तुम कादर खान जरा कम बनो, अहमद एक में मैं तुम्हें कुछ बोला था ही तुमको, हाँ गोविंदा, और एक में मैं तुमको बोला था ना कि वो कोई कैरेक्टर तुम पर, हाँ मैं बोल रही थी ना होगो होगो, तो बताए मुझे एक सब्सक्राइबर ने लिखा नीचे, हप्पू सिंह हप्पू सिंह हप्पू सिंह होगो, हम वहाँ होगो तुम कहाँ होगो, याद है
विभूति जी की वाइफ के ऊपर उसकी नजर रहती थी वो अपोजिंग, तो कैरेक्टर नेम मैंने कहा था जिसको पता हो प्लीज नीचे बताना। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने नीचे लिखा कि आप ही वो अप्पू सिंह था, तो तुम अप्पू सिंह हो। मैं क्यों होता तो वो अप्पू सिंह, तुम अप्पू सिंह, तुम अप्पू सिंह हो। चलो यार हम नाश्ता कर लेते हैं वरना तो ये मेरे से ऐसे ही लड़ता रहेगा। क्या लोगे नाश्ते में आज? जिंजर टी विद जिंजर टी, जिंजर मिल्क टी, मिल्क जिंजर टी। Yes. खुजली हो रही है तो हाथ से खुजा लो, मेरे गालों से क्यों खुजा रहे हो? क्या दोगे खाने में आज नाश्ते में? मैंने कल वैसे गोभी गोश बनाया था। कैसा बना था गोभी गोश? सच देखो बिल्कुल झूठ नहीं यार, देखो अच्छा था, बहुत अच्छा। अहमद ही गलत रिएक्शन, नहीं मैंने तारीफ की ना, कोई बात नहीं। अरे बहुत अच्छा था, बहुत नहीं गाइस ये तो खैर मजाक वाली बात है, थोड़ा सा हंसी ठिठोली हो जाते हाय हो जावत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी छोरो जो है ना बहुत अच्छा बनावत है। सच्ची? हाँ, रोटलो जो है ना रोटलो पर अच्छा बनावत है। रोटलो क्या होता है? खाने को रोटलो ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है। और मैं एक चीज बोल रही थी कि आपको कल गोभी गोश राइस के साथ अच्छा लगा रोटी के साथ? अच्छा, मुझे गोभी अच्छी लगी। अब वो राइस और रोटी और क्या आई बड़ी। तो गाइस मैंने कल तुमने बनाई भी काफी दिन में थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, पर अच्छी बनावट है। सच्ची? शर्मा 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 और शर्मा। चलो ना अभी मैं तुमको देती हूँ चाय बनाकर, मैंने चाय बना ली है, फटाफट हो जाएगी, सर्व करती हूँ ठीक है, और साथ में मलाई विद टोस्ट, और उसके बाद फिर तुमको खाना देती हूँ ठीक है गाइस। तो मैं इनको खाना बना खिला दूँ, चाय पिला दूँ, बटर खा पाता है। ओके बटर बटर टोस्ट खा लीजिए। एंड गाइस मैंने भर भर के चंपी करी, और अहमद के भी मैं चंपी करने वाली हूँ। कोकोनट ऑयल की शेर को कभी जरूरत होती है? बब्बर शेर शेरनी तो करती है ना, तो शेरनी तो करेगी ना। शेरनी? हाँ मैं शेरनी, सड़ी हुई शेरनी। तुम सड़े हुए शेर। चलो यार अभी बेहतरीन बाल होना है, बेहतरीन हो गया तुम्हारा, हो गया। और गाइस आज हम लोग को शादी में जाना है, मेरे यार की शादी है। कितने बदतमीज हो रहे तुम सच्ची में यार। चलो गाइस अब, और एक काम मुझे भी है बहुत जरूरी शाम को, तो आप लोग दुआ करें कि मुझे हमें कामयाबी मिले। लेकिन मैं इतनी बात कहेंगे इसका कुछ नहीं होगा, अगर तू बोल गई बेटा तू ये देख रही है? नहीं नहीं ये देख रही है, अगर तू बोल गई इसके आगे कुछ, अगर तू बोली इसके आगे कुछ, मेरी बात तो सुन लो। नहीं वो सुननी बिल्कुल, सबको मेरी बात सुननी है। गाइस वो जो अहमद का काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों का हो सकता है मेरे यार की शादी में जाना कैंसिल हो जाए। अभी मैं आपको अपडेट नहीं दे सकती कंफर्म वाली, क्योंकि हम दोनों खुद कंफ्यूज हैं कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन हाँ सबीला, अगर मेरे हस्बैंड का काम वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस मीटिंग में आज ये जा रहे हैं, तो अगर ये उधर जाते हैं भविष्य की सेफ्टी इतना जरूर करेंगे, दुआ करना कि इसके आगे अगर तू बोली ये देख रही है, सबको बोलो कि सब आपके लिए, हम सब हम लोगों के हक में दुआ करें कि हमारा उसमें मतलब जब तक ब्लॉग जाएगा नहीं ये, तब तक काम भी हल हो चुका होगा। अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे, जब तक ब्लॉग जाएगा काम भी हल हो चुका होगा। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे सबके साथ साथ, इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन रब्बना आमीन। और इस मीटिंग के चक्कर में हम मेरे यार की शादी भी छोड़ना है, शायद शायद अभी शाम तक कंफर्म नहीं है, अभी हम लोग खुद कंफ्यूज हैं क्या करें क्या ना करें, हम बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि हम लोग, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो श्योर हूँ, बस सनी नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग मैं सनी को बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है मैं जाऊँगा वहाँ पर, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा, उसके बाद मैं इधर अपने काम से आ जाऊंगा, फिर अपना काम निपटा कर रात को टाइम हुआ तो मैं आ जाऊंगा, डिनर करके साथ में आ जाएंगे। लेकिन सना कह रही है बोले आपके बिना तो मैं अधूरी हूँ, सब आपके तो इंतजार में है, वहाँ पर मुझे कौन देखेगा। आपके साथ में चमकती हूँ मैं, बिन आप मैं कुछ भी नहीं, बस अहमद बहुत हो गया ये तो। देखो सच्चाई आ गई है मुंह पे, नहीं ऐसी बात है, यही बात है ना, नहीं एक्चुअली क्या है ना कि मैं अहमद के बगैर जाना पसंद नहीं करती। और मैं सच बताऊँ ना कि मेरा मन इनके साथ ही हर जगह मन करता है जाने का, चांद के रोशनी क्या आप बताओ कमेंट्स में क्या कहना चाहते हैं हम दोनों के लिए। सिर्फ फिलहाल अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेट्स सी कब तक हम लोग का जाना होता है कि नहीं होता है, वो हम आपको शाम तक अपडेट कर देंगे। अब तो सना ही करेगी अपडेट, मैं निकल जाऊंगा अपने काम से, तब निकल जाएंगे और फिर शाम को ठीक है गाइस मिलते हैं फिर कभी किसी दिन। बस आप लोग जो है सना से ये बात बोलो, बगलू कल मिलेंगे इंशाल्लाह, कल के व्लॉग में मिलते हैं। नहीं मतलब वो तो बोलो ना, मैं व्लॉग में आया है नहीं आया, तो कल के व्लॉग में आओगे ना, अगर आज के व्लॉग में नहीं भी आ पाए तो मालूम, तुम कैमरे सामने कैमरा उठाओ नहीं उठाओ। लेकिन मैं आप जो है गाइस आप लोग को मैं बोल दूं, आप जो है सना अप्पी से कहिए अगर आपको मुझे व्लॉग्स में देखना है, हर वक्त आप चाहते हो कि मैं व्लॉग्स में आऊं, तो आप ये बोलो सना अप्पी को, अपनी सिस्टर को, अपनी अप्पी को, कि वो जो है हर व्लॉग में जो है। हाँ आगे चाय पी रहा, चाय बन गई, चाय पी रहा है।
और जिसके पास खाना गर्म होगा तो आ जाइए तुम। अभी पहले चाय पीना है पहले। खाना गर्म होगा तो बेडरूम किचन सारी अपडेट ले दी है ऐसे ही फोन कर करके। हाँ मैं यूँ ना गाइस को बोल दूं मैं, अगर आप लोग चाहते हाँ, हो। किसी ने बोला था कि अहमद भाई को हम हर व्लॉगिंग, हमें अहमद भाई की व्लॉगिंग बहुत पसंद है और हमें हर व्लॉग में अहमद चाहिए। बोलने थे अब मैं ये तो आप लोग से बोल रहा हूँ ना मैं कि आप जो सना पी को अपनी सना सिस्टर को कमेंट्स करके बोलिए ढेर सारे कि जब जब मैं घर पर आया करूँ अपने काम से फ्री होकर या जब भी मुझे घर पर होकर तभी कैमरा उठाया करें, पूरे चेहरे पे थूक दो गम दो अहमद तभी कैमरा उठाया करें यार पूरे मुंह में क्या जब थूक को बोलो कि तभी कैमरा उठाया करें जब मैं घर पर हुआ करूँ, लेकिन ये मालूम है क्या करती है, मैं जब घर पर होता नहीं हूँ तो कमरे में करके व्लॉगिंग करती रहेंगी बस, और घंटों घंटों के लिए बोलती रहेंगी आई बड़ी नहीं तो मेरे सामने कैमरा उठा करो तभी जो है तुम कामयाब होगी समझी। तो तुम्हें पता है कि मेरे बिना तुम खुश नहीं हो, सो व्हाई आर यू जो है व्हाई आर यू ट्राई करती हो हर चीज में पहलवान। लोगों को मैं बहुत पसंद हूँ जो मेरे चाहने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है, क्या होता है ये हम लड़कियों की ब्यूटी ऐसे दिखाई जाती है। हाँ तो गाइस जो मेरे चाहने वाले हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, आई लव सनप्पी। कितने बोले तुम आए बड़े नहीं तो। चलो गाइस मैं इनको नाश्ता वाश्ता दे दूँ, बेचारे भूख लग रही है इनको, फिर जाना भी है और हम लोग मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय टाटा। एक बात मुझे ये बोलनी है व्लॉग में, क्योंकि उस दिन जो है तुम सुबह में सो रही थी, मैं उठ चुका था, तो मेरा उठने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है तुम्हारे मोबाइल की खुराफाते करना, तुम्हारे मोबाइल में क्या करते हो तुम्हारे सिगरेट्स पता कर देता हूँ मैं फोन में ना लॉक लगाना शुरू। अरे तुम कर रही, तुम किसी को जो है ना कमेंट के जवाब भी नहीं देती हो, किसी को हार्ट वगैरह भी देती हो, सबको मैं देता हूँ सुबह सुबह उठकर, सारे मैं देती हूँ, झूठी मक्कर मैंने दी होती और इंस्टा पे भी डीएम मैं सबको जवाब देता हूँ, तुम देती हो ना गर्दन पे जा रही भाई बड़ी। मैं बताती हूँ, बताओ इंस्टाग्राम पे एक्चुअली डीएम मैं नहीं देख पाती क्योंकि मेरे पास इतने सारे घर के काम भी है और उसके साथ मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है, एडिटिंग भी, ये लड़का एडिटिंग में कोई हेल्प नहीं करता। फिलहाल अब मैं आपको बोल दूं कि आप लोग जो है बोल रहे थे, मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि आपको जो है Q&A चाहिए हमारा, तो आप लोग जो है ढेर सारे जो है अपने आज डेट है 20 नवंबर, आज डेट है 20 नवंबर, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 30 नवंबर यानी कि इस पूरे मंथ में 10 दिन बचे हुए हैं, इस पूरे मंथ में आप लोग जो अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट्स में दीजिए, हम लोग उसको नोट करते रहेंगे और फिर हम जो है और फिर हम लोग जो है दिसंबर फर्स्ट वीक में जो है आपके लिए अपने क्वेश्चन एंड आंसर का जो है वो लेकर आएंगे व्लॉग। हाँ। लेकिन आप 10 दिन तक खूब सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं हमें, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मैंने कमेंट पढ़ा, मतलब अहमद का ये है मकसद, मैं बोल दूँ बोलती रहो बस सच में मैं आपको बता रही हूँ कि Q&A के लिए मुझे लोगे नहीं लोगे, बिल्कुल नहीं लूंगा, बस मैं आऊंगा। हट हट हट। सो गाइस मेरा मकसद ये कहने गाइज मेरा मकसद ये कहने का कि आप लोगों को Q&A पे व्लॉग चाहिए हमारा, तो हम लोग रेडी है आपको देने के लिए Q&A पे व्लॉग। इधर लो थोड़ा सा, उधर ब्लैक जा रहा है, तो Q&A पे हम लोग आपको व्लॉग देने के लिए रेडी हैं, बस आप लोग बस बढ़िया क्वेश्चंस करो कमेंट्स में, आप लोग हमसे रिलेटेड क्या क्या पूछना है, हम दोनों मियां बीवी से, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है आपके दिल में, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आप लोगों के जो क्वेश्चंस हमें समझ आएंगे हम उन्हें पिक करेंगे एंड देन हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आप और मैं आपको बता दूं अभी से, मैं आपको बोल दूं सबको कि आप अगर चाहो हमारी लव स्टोरी, हमारे शादी के बाद के पीरियड, वो हम आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं, वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर बताएंगे, इसके अलावा आप जो पूछना चाहो पूछ सकते हो, साफ बात सीधी बात नो बकवास, साफ कहना सुखी रहना। 1 लाख सब्सक्राइबर पे हम अपनी लव स्टोरी शेयर करेंगे, हमारी क्या स्टोरी रही है क्योंकि सबको लव स्टोरी सुननी है, और कितना पीटी है अपने घर पर तो ये कितना पिटा अपने घर पे, और आफ्टर वेडिंग हमारी क्या लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या क्या रहा है, वो सब वो सब 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद सिल्वर बटन सेलिब्रेशन पर। हमारे ब्लॉगिंग के चक्कर में चाय का हिसाब देखो क्या हो गया है, और आया बड़ा नहीं तो ये मैं हल्का सा इसको गर्म कर लेती हूँ है ना, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक तेरा ब्लॉगिंग करी मैं सुनूंगी नहीं, क्या कहती मदर इन लॉ।
बदरी लोग कहते हैं ना वांट्स फूड। ओह माय गॉड, चलो 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 तुम जाकर बैठो फटाफट से, मैं खा। और ये वाला ब्लॉग हम लोग यही एंड कर रहे हैं क्योंकि शाम को हो सकता है, हो सकता है हम लोग वेडिंग में जाएं या नहीं जाएं, जैसे भी है आपको अगले ब्लॉग चलेगा। इसलिए जब तक आपने जो है देख लिया है तो क्या क्या काम हो रहे थे बोलो जल्दी। आई होप आपको हमारा आज का जो व्लॉग है पसंद आया। अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।